हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री सिक्स स्टैंडर्ड, और सेवन्थ लेसन हो चुके थे। आज हम एट्थ लेसन की तरफ बढ़ेंगे। अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, यानी अशोका एक ऐसे मतलब एम्परर थे, राजा थे, जिन्होंने अपनी जो मतलब युद्ध उन्होंने छोड़ दिए थे। मतलब इस लेसन में हम सिर्फ अशोक सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। द लॉयंस दैट वी सी इन ऑन आवर नोट्स एंड कॉइन्स मेड बाय अशोका वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नॉन टू हिस्ट्री, एंड ऑन हीज इंस्ट्रक्शंस इंस्क्रिप्शंस वेयर कर्व्ड ऑन पिलर्स। तो जो हम लॉयंस देखते हैं, चार लॉयंस होते हैं ना, आगे पीछे इस तरह से, ये लॉयंस हम नोट्स और कॉइन्स पे देखते हैं। ये अशोक सम्राट अशोक के द्वारा बनवाए गए हैं, और ये एक बहुत ही ग्रेट रूलर थे, महान शासक थे इतिहास में पूरे। और इनका परिचय, इनके बारे में वर्णन किए गए हैं पिलर्स में, जो पिलर खड़े हुए होते हैं उनमें इनके खूब सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं, कर्व किए गए हैं। कर्व मतलब आप जानती हैं, जिसे लिखा जाता है, जो मिटाए नहीं जाते हैं, मिटते ही नहीं है वो, इस तरीके से उनके वर्णन लिखे गए हैं पत्थरों में, पिलर्स में। चंद्रगुप्त सपोर्टेड चाणक्य एंड मेनी ऑफ चाणक्यस आइडियाज वेयर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो सपोर्ट करते थे चाणक्य को, और चाणक्य के जो कल्पनाएं थी वो एक बुक में लिखी गई, जिन्हें अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि चाणक्य ने जिस बुक को लिखा है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम अर्थशास्त्र है। When a member of the same family become rulers one after another, the family is often called a dynasty. The Mauryas were a dynasty with three important rulers: Chandragupta, his son Bindusara, and Bindusarasan Ashoka. तो देखिए, जब एक के बाद एक फैमिली के जो generations होते हैं, मेन बॉयज, इन्हें जब रूलर बनाया जाता है तो उन्हें डेस्टिनी कहते हैं, राजवंश कहते हैं। तो इस तरीके के तीन बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे, जो थे पहले चंद्रगुप्त, उसके बाद उनके जो बेटे थे बिंदुसरा थे, और बिंदुसरा के बेटे थे अशोका, ठीक है, अशोका के पिताजी बिंदुसरा, और बिंदुसरा के पिताजी चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त किसे सपोर्ट करते थे? चाणक्य को। चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र। ट्रिब्यूट, अनलाइक टैक्सेस विच वेयर collected on a regular basis, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly. देखिए, tribute मतलब कुछ contribute करना, कुछ देना, ठीक है, जैसे कि taxes होते हैं जो कि एक daily मतलब regular basis पे collect किए जाते हैं, और इसी को क्या कहेंगे, tribute, यानी अपना कुछ दे देना इस तरीके से। और इसी वजह से क्या होता है कि पीपल हु गिव अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मोर एंड लेस विलिंगली, अच्छा, जिन लोगों के पास जितना जो होता था वो उस हिसाब से देते थे टैक्स के रूप में, उसे ट्रिब्यूट कहा जाता था। अपनी खुशी से देना, दान देना, अपना एक अनुदान देना। द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वॉज अशोका। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हीज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन। मोस्ट ऑफ द अशोकास इंस्क्रिप्शंस वेयर इन प्रकृत एंड वेयर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो मौर्यन बहुत ही मशहूर शासक थे। अच्छा, मौर्यन से मतलब मौर्यन वंश से रिलेटेड थे अशोका, और ये बहुत ही फेमस थे, महत्वपूर्ण राजा थे, शासक थे, और ये एक पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने लोगों को अपना संदेश पहुंचाए थे। और ये किसके द्वारा पहुंचाए थे? वर्णन के द्वारा, इंस्क्रिप्शंस लिखे थे इन्होंने अपने, और बहुत सारे इनके जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इन्होंने जो भी लोगों को संदेश दिया है वो सब प्रकृत में लिखा गया है, और ब्राह्मी लिपि में, इसके प्रकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी लिपि इसमें इस्तेमाल की गई है। कलिंगा इज़ द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओरिसा।
Ashoka fought a war to conquer Kalinga, Kaling. However, he was so horrified when he was the violence and bloodshed that he decided not to fight anymore. Anymore wars. He is the only king in the history of the world who gave up conquest after winning a war. तो कलिंगा एक बहुत ही पुराना मतलब एरिया है और ये कहाँ पे ओरिसा के समुद्र के किनारे, और अशोका उसी के लिए लड़ाई की लड़े थे. और जब वो लड़ाई लड़े तो वो बहुत ही जब उन्होंने आसपास देखा कि बहुत ज़्यादा मतलब इस लड़ाई की वजह से वायलेंस हिंसा हो गई है और लोग मरे पड़े हैं आसपास, ये सब देखने के बाद उन्होंने ऐसा डिसाइड किया, ऐसा सोचा कि अब वो कभी लड़ाई नहीं लड़ेंगे. और वो इतिहास के पहले राजा थे जिन्होंने ऐसा वचन लिया उस युद्ध भूमि में, और जीतने के बाद भी उन्होंने अपने आप को हारा ही महसूस किए थे. तो ये कि इतिहास में पहले राजा थे जिन्होंने जीतने के बाद भी उस युद्ध को हार घोषित की थी. धम्म इज द प्रकृत वर्ड फॉर द संस्कृत टर्म धर्म. ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि धम्म वर्ड कौन से लैंग्वेज का है, तो ये प्रकृत वर्ड है, कौन से वर्ड का है, प्रकृत वर्ड का है. और एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था धम्म का मतलब क्या होता है, धम्म का मतलब धर्म होता है संस्कृत में. द ब्राह्मी स्क्रिप्ट मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स हैव डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. यानी जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये बहुत ही पुरानी है भारत की लिपि, और इससे बहुत मतलब हजारों साल पहले इसकी निर्मित हुई थी. एम्परर्स इन चाइना बिगेन बिल्डिंग द ग्रेट वॉल. इट वॉज मीन्ट टू प्रोटेक्ट द नॉर्थन फ्रंटियर ऑफ द एम्पायर फ्रॉम पास्टोरल पीपल. एडिशंस टू द वॉल वेयर मेड ओवर अ पीरियड ऑफ 2000 ईयर्स बिकॉज द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर केप्ट शिफ्टिंग. द वॉल इज अबाउट 6400 किलोमीटर लॉन्ग एंड मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक. तो जो राजा थे चाइना के उन्होंने एक वॉल बनानी शुरू की, दीवार बनानी शुरू की इस तरीके की. और वो इसलिए बनाते थे क्योंकि जो चरवाहा थे वो उनके एरिया तक आकर अपने गायों को चराना शुरू कर देते थे, तो इससे बचाव के लिए उन्होंने वॉल्स बनानी शुरू की. और ये 2000 साल पहले की बात है जब वे ये वॉल बनाए थे. और उसके बाद उन्होंने ये वॉल कितनी किलोमीटर थी, 6400 किलोमीटर दूरी की ऐसी इन्होंने वॉल बनाई थी, दीवार बनाई थी. और ये बनाई कैसे थी, इन्होंने स्टोन यूज़ किया था, पत्थर और ईंट, इस तरीके की चीज़ें इन्होंने यूज़ की थी ये वॉल बनाते समय. आपने सुना ही होगा चाइना की वॉल्स काफ़ी फेमस हैं, ये वही वॉल है. बिगनिंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर मोर देन 2300 ईयर्स एगो. 2300 साल पहले मौर्य राजाओं की शुरुआत हुई थी. द मौर्यन एम्पायर कोलैप्स्ड अबाउट 2200 ईयर्स एगो. 2200 साल पहले ही इन वर्षों का नाश हो गया था. उसके बाद देखिए टॉपिक 9, वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स. द यूज़ ऑफ आयरन बिगेन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स एगो. यानी कि लोहे की जो शुरुआत थी इसी 3000 साल पहले हो गई थी. इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ऑनर्स वेयर नॉन एज वेलालर. ऑर्डिनरी प्लगमैन वेयर नॉन एज अरहवर एंड लैंडलेस लेबरर्स including slaves were known as कदईसियार and आदिमई. ये क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में कि ये है तमिल लैंग्वेज, ठीक है, और यहाँ के जो लैंड ऑनर थे जिनके पास ज़मीन होती थी उन्हें क्या कहा जाता था, वेलालर उन्हें कहा जाता था. और उसके बाद जो सामान्य इंसान थे उन्हें प्लग मैन कहा जाता था. और उसके बाद प्लग मैन वेयर नॉन एज अरहवर. ऑर्डिनरी ऑर्डिनर्स, अच्छा
ऑर्डिनर्स प्लगमैन के द्वारा जाने जाते थे, और अजहवर के नाम से भी प्लगमैन जाने जाते थे। उसके बाद जिनके पास ज़मीन नहीं होती थी उन्हें लेबरर्स कहा जाता था, क्योंकि दूसरों की ज़मीन पे काम किया करते थे। और इन सब के बाद जो भी मतलब सेवक थे जिन्हें स्लेव कहा जाता था, उन्हें कदई सियार और आदिमाई कहा जाता था, जो स्लेव होते थे, जो काम मतलब जिन्हें गुलामों की तरह रखा जाता था, उन्हें कदई सियार और आदिमाई कहा जाता था। तो समझ में आ गया आपको, तमिल में जिसके जो लैंड ऑनर थे उन्हें वेल्लर कहा जाता था, जो सामान्य लोग थे उन्हें प्लगमैन या फिर अजहवर कहते थे, और जिनके पास ज़मीन नहीं थी उनके पास उन्हें लेबरर्स कहते थे, और इसके बावजूद जो लोग बचते थे उन्हें स्लेव मतलब जो स्लेव होते थे उन्हें कदसियार या फिर आदिमाई कहा जाता था। इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वॉज नॉन एज द ग्राम भोजका, यानी कि नॉर्थ उत्तरी भाग में जो भी हमारे देश के ये गांव थे उसके जो मेन हेडमैन थे मतलब विलेज के जो हेडमैन थे जैसे सरपंच होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता था, ग्राम भोजका कहा जाता था। अब तो हम सरपंच कहते हैं, उस टाइम पे उन्हें ग्राम भोजका कहा जाता था। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल नॉन एज संगम लिटरेचर वेयर कंपोज्ड अराउंड 2300 ईयर्स एगो। दिस टेक्स्ट वेयर कॉल्ड संगम बिकॉज दे वेयर सपोज्ड टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल्ड इन असेंबलीज नॉन एज संगम्स ऑफ पोएट्स दैट वेयर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई। तो कुछ अर्लीस्ट वर्क्स, अच्छा तमिल में कुछ पहले ऐसे भी काम हुए हैं जिन्हें कहा जाता था संगम लिटरेचर, ठीक है। और इसे कब कम यूज मतलब कब बनाया गया है, 2300 साल पहले। और इस टेक्स्ट में इस टेक्स्ट को संगम कहा जाता है क्योंकि इसमें क्या कंपाइल किया है यानी जोड़ा गया है, बिकॉज दे वेयर सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड एंड कंपाइल। अच्छा, इसमें बहुत सी अलग अलग चीज़ें एक साथ जोड़ी गई हैं इसीलिए इसे संगम्स कहते हैं। और पोएट्स दैट वेयर हेल्ड इन द सिटी ऑफ मदुरई, अच्छा मदुरई में मदुरई के जो पोएट होते थे ये बहुत सी अलग अलग चीज़ों को जोड़कर एक पोएम बनाते थे, उसे संगम कहते हैं। एक नए प्रकार का ये काम था। द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वेयर इन यूज फॉर अबाउट 500 ईयर्स वेयर पंच मार्क्ड कॉइन्स विच मेड बाय सिल्वर और कॉपर। अच्छा, जो मार्क्ड कॉइन होते थे मतलब मास किए जाते थे, जैसे कोई राजा आ गया है तो वो अपने साइन दिखाते थे इस कॉइन में या अपने आप का ही चित्र लगाते थे कॉइन्स में। इस तरह की जो कॉइन्स का प्रचलन था ये सिल्वर में होता था या फिर कॉपर में होती थी ये कॉइन। और द अर्लीस्ट कॉइन्स विच वेयर इन यूज़ अबाउट 5500 ईयर्स एगो, यानी 500 साल पहले इस तरह के कॉइन को पंच करते थे और उसे मार्क्ड करते थे। इस तरह के कॉइन का प्रचलन 500 साल पहले हुआ था। मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर दैन 2500 ईयर्स। इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट वॉज लोकेटेड एट द क्रॉस रोड्स ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ ट्रैवल एंड ट्रेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखिए मथुरा एक ऐसी जगह है जो मतलब बहुत जिसे कब डेवलप किया गया, 2500 साल पहले डेवलप हुआ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रोड क्रॉस होती है यहाँ पे। कैसी रोड क्रॉस होती है, दो महत्वपूर्ण रोड होती है यहाँ पे ट्रैवल्स और बिजनेस के लिए, ट्रेड के लिए, ठीक है। तो एक नॉर्थ वेस्ट है, ऐसे नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है। तो एक नॉर्थ वेस्ट है वे और ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उसके बाद देखिए ईस्ट है, ईस्ट से क्या है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। इस तरीके के रूट बनते हैं, पहले तो नॉर्थ वेस्ट है उसके बाद ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ साउथ, इस तरीके का भी एक रूट बनता है जो किस लिए होता है, ये ट्रैवल्स के लिए भी होता है और ट्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। मथुरा में मेन मथुरा है जहाँ से दो रूट बनते हैं, एक है
नॉर्थ वेस्ट, और दूसरा है ईस्ट साउथ, ईस्ट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मथुरा वॉज ऑल्सो अ सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस्ड। यानी कि मथुरा एक सेंटर है जहाँ से स्कल्पचर्स मिले हैं, मूर्तियाँ मिली हैं बहुत सारी, बहुत ही पुरानी और बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ मिली हैं जहाँ से। अराउंड 2000 ईयर्स एगो मथुरा बिकेम द सेकेंड कैपिटल ऑफ द कुशनाज। तो 2000 साल पहले मथुरा कैपिटल था कुशनास करके, जो एक मतलब राजा का जो वंश चला था उनका। मथुरा वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस सेंटर देयर वेयर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज जैन श्रीन्स एंड इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर द वर्शिप ऑफ कृष्णा। तो मथुरा तीन धर्मों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक है बुद्धिस्ट, वहाँ पे मोनेस्ट्रीज रहते थे जो बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे वो वहाँ रहते थे। उसके बाद जैन श्रीन्स जो जैन धर्म को फॉलो करते थे और जैन से जुड़े हुए थे वे लोग भी वहाँ रहते थे। और उसके बाद ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिंदू रीजन्स के लिए जो कि कृष्णा को फॉलो करते थे, ठीक है, कृष्णा के लिए भी एक मेन सेंटर है। इसीलिए मथुरा बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीजियस सेंटर बन गया था क्योंकि वहाँ तीन धर्म के लोग एक साथ रहते थे, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जैन श्रीन्स और ये कृष्णा, ठीक है। उसके बाद मेनी क्राफ्ट्स पर्सन्स एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशंस नॉन एज श्रेणीज। यानी कि बहुत सारे जो आर्टिस्ट लोग थे, क्राफ्ट जो बनाते थे, और बिजनेसमैन मर्चेंट्स जो चीज़ों को बेचा करते थे, इस तरह के लोग एक साथ आके एक संगठना बनाई थी जिसे क्या कहा जाता था, श्रेणीज कहा जाता था, ठीक है। मेनी क्राफ्ट्स पर्सन एंड मर्चेंट्स नाउ फॉर्म एसोसिएशन नॉन एज श्रेणीज, ठीक है, समझ में आ गया। यानी क्राफ्ट पर्सन एक होके और जो बिजनेसमैन थे वे सब एक आके एक एसोसिएशन बनाए, एक संगठना बनाई जिसे श्रेणीज कहा गया। दिस श्रेणीज ऑफ क्राफ्ट पर्सन प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, प्रोक्यूर्ड रॉ मटेरियल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द फिनिश्ड प्रोडक्ट। Then श्रेणीज of merchants organized the trade श्रेणीज also served as banks where rich men and women deposited money। तो देखिए श्रेणी में क्या होता था कि लोगों को कच्चा माल दिया जाता था, उन्हें प्रोवाइड किया जाते थे कच्चा माल, और उसके बाद बनाई हुई चीज़ों को बाहर मार्केट में बेचा जाता था और उन्हें फीस मिल जाती थी, ठीक है। उसके बाद जो सारे लेडीज़ और जेंट्स जो भी काम करते थे उनके जो मनी थे मतलब पैसे थे वो बैंक में भी जमा करवाए जाते थे इन्हीं श्रेणी के लोगों के। इस तरह से उन्होंने बैंक भी ऑर्गेनाइज कर रखी थी उस टाइम पर पैसे डिपॉजिट करने के लिए। रूल्स फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग, द रूल्स आर फ्रॉम द अर्थशास्त्र विडोज। अर्थशास्त्र विडोज यंग वुमेन हु आर डिफरेंटली एबल्ड नंस मदर्स ऑफ कोर्टेंस रिटायर्ड वुमेन सर्वेंट्स ऑफ द किंग वुमेन हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन टेम्पल्स मे बी यूज फॉर प्रोसेसिंग वुल बार कॉटन हेम्प and flax while working in case the superintendent looks at the woman or talks about anything other than the work he should be punished। okay, तो जब बिनाई होती थी और वीविंग आप जानती हैं जब कॉटन निकाल के कपड़े बनाते थे तो इस प्रोसेसर में क्या होता था कि कौन कौन सी तरह के लोग इन्वॉल्व होते थे, विडोज मतलब विधवा औरतें होती थी, विधवा जो लड़कियां जो जल्दी विधवा हो जाती थी कम एज में उन्हें इन्वॉल्व किया जाता था। उसके बाद जो लोग डिसेबल हैं चलने में या फिर कुछ उनके अंदर डिसेबिलिटी है तो उन लोगों को यूज़ किया जाता था। डिसेबल नंस मतलब जो नंस होती थी बौद्धों को एक्सेप्ट करने वाली जैन धर्म या इस तरह की जो नंस होती थी डिसेबल हो जाती थी तो उन्हें भी इसी काम में डाल दिया जाता था। उसके बाद जो मदर रहती थी, मदर होती थी, उन्हें मतलब घर से निकाल दिया है ऐसे किसी मदर को, रिटायर मतलब जो वुमेन रिटायर हो गई हैं
राज दरबार से, उम्र हो गई अब काम नहीं कर सकती हैं, तो इन लोगों के लिए ये काम थे। उसके बाद इस तरह की लेडीज़ जो कि टेम्पल में काम करती थी, मंदिरों में, और अब रिटायर हो चुकी हैं, तो इस तरह की के लोग फिर स्पिनिंग और वीविंग के लिए यूज़ करते थे उन्हें, सिलाई और बुनाई के लिए। और यहाँ पे एक बहुत ही कठिन रूल था कि ये लोग अपने काम के सिवा कहीं और की कोई बातें नहीं कर सकते थे, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं सकते थे। इफ़ अ वुमेन डज नॉट कम्प्लीट हर वर्क, शी विल हैव टू पे अ फाइन एंड हर थम्स कैन बी कट ऑफ। यानी कि जो वुमेन, मतलब जो लेडीज़ अपना टास्क पूरा नहीं करती थी, अपना काम कंप्लीट नहीं करती थी, तो उन लोगों को क्या पनिशमेंट दी जाती थी, और उनके जो अंगूठे थे वो कट कर दिए जाते थे। इस तरह की पनिशमेंट थी। बिगिनिंग ऑफ द यूज़ ऑफ आयरन इन द सब कॉन्टिनेंट अबाउट 3000 ईयर्स एगो। यानी कि जो आयरन होते थे, लोहे, उसका जो स्टार्टिंग है 3000 साल पहले हो चुका था। इंक्रीज इन द यूज़ ऑफ आयरन सिटीज पंच मार्क्ड कॉइन्स अबाउट 2500 ईयर्स एगो। 2500 साल पहले ही सिटीज़ में पंच मार्क कॉइन आ गई थी, उनकी शुरुआत हो गई थी। बिगनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर अबाउट 2300 ईयर्स एगो। यानी कि जो शुरुआत थी संगम लिटरेचर की, यानी कि अलग अलग तरह की जो फॉर्म्स हैं पोएम्स की, उनको एक करके लिखना, तो ये 2300 साल पहले शुरू हो चुकी थी। सेटलमेंट इन अरिकमेंडू बिटवीन 2200 ईयर्स एंड 19 ईयर्स एगो। अरिकमेडू करके एक जमात थी जिसका सेटलमेंट कब शुरू हो गया था, 2200 साल से 1900 साल पहले। अब देखते हैं 10th लेसन में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड प्रेशियस स्टोन्स। तो देखिए, जो साउथ इंडिया है, मतलब दक्षिण भारत, ये किस चीज़ के लिए फेमस था? गोल्ड के लिए, सोने, स्पाइसेस, स्पाइसेस मसालों, खड़े मसालों के लिए। और सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या था? पेपर, ब्लैक पेपर जो होते हैं ना, काली मिर्च, उसके लिए बहुत फेमस थे। और प्रेशियस स्टोन्स, जो हीरे जवाहरात थे, उसके लिए भी साउथ इंडिया बहुत ही फेमस है। पेपर वॉज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर सो मच सो दैट इट वॉज नॉन एज ब्लैक गोल्ड। तो जो ब्लैक पेपर था, मतलब काली मिर्च जो थी, वो बहुत ज़्यादा फेमस थी कहाँ पे? रोमन में, रोमन एम्पायर, मतलब रोमन के जो राजाएं थे वो यूज़ करते थे, और इस वजह से इसे ब्लैक गोल्ड यानी कि काला सोना कहा जाने लगा, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी रोमन में। द सेलर्स टूक एडवांटेज ऑफ द मॉनसून विंड्स टू क्रॉस द सीज मोर क्विकली। सो इफ दे वॉन्टेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया, दे चूज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून। तो जो सेलर होते थे, जो समुद्र में प्रवाह करते थे, वे बहुत ही होशियारी से काम किया करते थे मानसून के हवाओं के हिसाब से, क्योंकि वे जानते थे कि जो समुद्री प्रवाह होते हैं वहाँ पे जल्दी पहुँचने के लिए उन्हें कौन सा टाइम चूज़ करना है। क्योंकि जैसे अगर वे बारिश का मौसम चूज़ करते हैं तो वो सही नहीं रहेगा, वो ऐसा समय चूज़ करते थे जबकि लहर बहुत ही स्पीड में हो, ठीक है, ताकि वे जल्दी पहुंच पाए। कहाँ पर पहुंच पाए? वेस्टर्न साइड में, ओके, इंडिया के वेस्ट साइड में, क्योंकि यहाँ से ही साउथ इंडिया पड़ता है जहाँ पे उन्हें पेपर और इस सारी चीज़ों के वो ट्रेड कर सकते थे। तो इसलिए वे पहुंचने के लिए, वेस्टर्न कोस्ट में पहुंचने के लिए क्या करा करते थे? ईस्ट अफ्रीका का रूट लेते थे, ईस्ट अफ्रीका या फिर अरेबिया का रूट लेकर वो मतलब समुद्री वे से आते थे साउथ वेस्ट पे, ठीक है, ये साउथ वेस्ट एरिया है हमारे भारत का, ठीक है, तो यहाँ पर वे आते थे कब? मानसून के टाइम में, बारिश के टाइम में आते थे, उस टाइम पे ज़्यादा ही प्रवाह होता था और वे जल्दी पहुँचते थे। संगम पोएम्स मेंशन द मुवेंदर, दिस इज़ अ तमिल वर्ड।
अच्छा, संगम पोयम में एक शब्द, अच्छा संगम पोयम में मूवेंदर का भी ना ये शब्द यूज किया गया है, जो कि तमिल वर्ड है। याद रखिएगा, मूवेंदर एक तमिल वर्ड है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ द सतवाहना वॉज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, हिज मदर गौतमी बालाश्री। तो देखिए, जो सतवाहना में जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध एक राजा थे, वे थे गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, ठीक है। और इनकी मदर का नाम क्या था? गौतमी बलश्री, याद रखिएगा। ही एंड अदर सतवाहना रूलर वेयर नॉन एज लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथ, मतलब ये और इनके जो दूसरे रूलर थे सतवाहना के, ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता था? लॉर्ड्स ऑफ द दक्षिणापथ, मतलब लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ इन्हें कहा जाता था। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वेयर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7,000 ईयर्स अगो, 7,000 साल पहले चाइना में सबसे पहले सिल्क का शोध हुआ, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वेयर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7,000 ईयर्स एगो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एसएस में आ चुका है ये क्वेश्चन कि पहली बार सिल्क टेक्निकली कहाँ इन्वेंट हुआ था, तो ये चाइना में इन्वेंट हुआ था 7,000 साल पहले। चाइनीज रूलर सेंट गिफ्ट्स ऑफ सिल्क टू रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। तो जो चाइना के जो रूलर थे, वे सिल्क के उपहार वे दूसरे कंट्री के रूलर को भेजा करते थे, और वे ईरान वेस्ट एशिया यहाँ से उन्हें भेजा करते थे। तो इस तरीके से सिल्क का जो नॉलेज है, वे दूसरे जगह पर वेस्ट मतलब पूर्वी दिशाओं में, पूर्वी हाँ पूर्वी जो कंट्री है वहाँ पर इसकी पूरी नॉलेज फैल गई, इसके बारे में ज्ञान पहुँचा। द मोस्ट फेमस कुशना रूलर्स वॉज कनिष्क, ही रूल्ड अराउंड 1900 ईयर्स एगो। जो सबसे फेमस महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कुशना राजा थे, वे कौन थे? कनिष्क, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे कुशना के राजाओं में से कनिष्क, और इन्होंने 1900 साल पहले रूल किया था। अश्वघोष, अ पोएट हु कंपोज्ड अ बायोग्राफी ऑफ द बुद्ध, द बुद्ध चरित, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आया है। अश्वघोष, ये अश्वघोष कौन है? एक पोएट है, ठीक है। और इन्होंने एक मतलब गौतम बुद्ध की पूरी बायोग्राफी लिखी, और उसे क्या कहा जाता है? बुद्ध चरित्र, ठीक है। बुद्ध चरित्र में इन्होंने बुद्ध की पूरी बायोग्राफी लिखी। किसने लिखी? अश्वघोष एक पोएट थे जिन्होंने गौतम बुद्ध के जिंदगी के बारे में बायोग्राफी लिखी, और उन्होंने क्या नाम है उस बुक का? बुद्ध चरित्र। द बेस्ट नॉन ऑफ दिस आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रीम्स फैक्सियान हु केम टू द सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1600 ईयर्स एगो, एग्जियान जैंग हु केम अराउंड 1400 ईयर्स एगो, एंड आई क्विंग हु केम अबाउट 50 ईयर्स आफ्टर ज्वैंग जैंग, दे केम टू विजिट बुद्धास प्लेस। तो देखिए, चाइना के कुछ लोग बुद्ध से मिलने आए, और उनके जो मॉन्क्स थे उनसे भी, उनके प्लेसेस को भी वे देखने आए, उनसे मिलने आए थे। तो उन चाइनीज़ लोगों में से कौन थे? फैक्जियान थे। नाम पूछा जाता है कि कौन कौन से चाइनीज़ हमारे इंडिया आके बुद्ध के प्लेस को मतलब बुद्ध की जगह को देखने आए थे, फैक्जियान थे। उसके बाद ये कब आए थे? 1600 साल पहले आए थे। उसके बाद ज्वैन जैंग आए थे,
1400 साल पहले। उसके बाद आई क्विंग आए थे, ये 50 साल पहले आए थे। किससे पहले आए थे? ज्वैंग के पहले आए थे, ज्वैंग के आने के 50 साल बाद आए थे आई क्विंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये बुद्ध के जगह को देखने आए थे। अबाउट 2000 ईयर्स एगो क्रिश्चियनिटी एमर्ज्ड इन वेस्ट एशिया। जीसस क्रिस्ट वॉज बॉर्न इन बेथलहम विच वॉज देन पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। 2000 साल पहले क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वेस्ट एशिया में। और जीसस क्रिस्ट का जन्म कहाँ पे हुआ था? बेथलहम। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्ले मतलब क्वेश्चन बनता है इससे कि क्रिश्चियनिटी कब इमर्ज हुई थी। 2000 साल पहले वेस्ट एशिया में हुई थी और जीसस का जन्म बेथलहम में हुआ था। और ये कहाँ पर है? ये एक रोमन एम्पायर का एक पार्ट था, मतलब उस जगह का नाम है। और रोमन एम्पायर में ये जगह है बेथलहम, वहाँ पर क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा ये। द क्रिश्चियंस ऑफ केरला नॉन एज सीरियन क्रिश्चियंस बिकॉज दे प्रोबेबली केम फ्रॉम वेस्ट एशिया। देखिए, अभी वेस्ट एशिया की बात हुई थी जहाँ पर क्रिश्चियन का जन्म हुआ था, ठीक है। और जो केरला में जो कुछ क्रिश्चियंस रहते हैं उन्हें सीरियन कहते हैं। सीरियन वे होते हैं जो कि वेस्ट एशिया से आए थे। आर अमॉन्ग्स द ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ इन द वर्ल्ड। ये जो कम्युनिटीज़ है सीरियन, ये बहुत ही पुरानी कम्युनिस्ट है पूरे वर्ल्ड में। क्यों पुरानी है? क्योंकि ये जो है, ये मूल जो क्रिश्चियन जहाँ जन्म हुआ था वहाँ से आए थे ये, ठीक है। तो ये मूल वहाँ के होते हैं सीरियन, जो केरला में क्रिश्चियन पाए जाते हैं। ये क्रिश्चियन वेस्ट एशिया से आए हुए हैं और इस दुनिया के सबसे पुरानी कम्युनिटी पाई जाती है, मानी जाती है इन्हें। द चोलास चेरास एंड पांड्यास अबाउट 2300 ईयर्स एगो। तो चोलास चेरास और पांड्यास ये क्या है? राजघराने हैं और 2300 साल पहले इनकी शुरुआत हुई थी। न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स समुद्रगुप्त फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन एक्चुअली अ पोयम इन संस्कृत कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेना नियरली 1700 ईयर्स एगो। चंद्रगुप्त की एक बहुत ही बड़ी सी मतलब वर्णन की गई है उनकी पूरी गाथा एक बहुत बड़ी सी पोयम में, और इसे संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। और इसे कोर्ट में किसने प्रस्तुत किया था? हरिसेना ने किया था। कब किया था? 1700 साल पहले, इसे याद रखिएगा। दिस वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोकन पिलर एट अलाहाबाद। और अशोका के जो पिलर्स हैं अलाहाबाद में, वहाँ भी समुद्रगुप्त के जो इंस्क्रिप्शन है बहुत बड़ा सा, उसे भी लिखा गया है, उस पिलर में इंस्क्राइब किया गया है, लिखा गया है। प्रशस्ति मीन्स इन प्रेस ऑफ। देखिए, प्रशस्ति का मतलब क्या है? इन प्रेस ऑफ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रशस्ति मीनिंग इन प्रेस ऑफ। समुद्रगुप्त यूज टू प्ले वीना। समुद्रगुप्त को क्या पसंद था? वीना बजाना पसंद था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त यूज टू प्ले वीना। वीना कौन बजाता था? समुद्रगुप्त। प्रयाग इज द ओल्ड नेम ऑफ अलाहाबाद। किसका नाम है पुराना? अलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? प्रयाग, ठीक है। और प्रयाग किसका नाम है? किस सिटी का नाम है? ओल्डेस्ट नेम ऑफ सिटी, अलाहाबाद। समुद्रगुप्तास मदर कुमारा देवी बिलोंग टू द लिच्छवी यगना। हिज फादर वॉज चंद्रगुप्त वॉज द फर्स्ट रूलर
of the Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharaj Adhiraj, a title that Samudragupta also used. देखिए समुद्रगुप्त की जो माँ थी उनका नाम क्या था, कुमारा देवी, और ये लिच्छवी गणा से बिलोंग करती थी. इनके पापा का नाम था चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के पापा का नाम चंद्रगुप्त था. और ये पहले ऐसे राजा थे जी, मतलब उनके गुप्त राज्य घराने से पहले एक रूलर थे, मतलब शासक थे, और जिन्होंने क्या उन्हें टाइटल मिला था महाराज अधिराज का. उन्हें कौन सा टाइटल मिला था, महाराज अधिराज का टाइटल मिला था चंद्रगुप्त को, जो कि समुद्रगुप्त ने अपने लिए वो टाइटल यूज़ किया. उनकी माँ का नाम क्या था, कुमारा देवी. हर्षवर्धन हु रूल्ड नियरली 1400 ईयर्स एगो वॉज वन सच रूलर. हिज कोर्ट पोएट बाना भट्ट रॉट हिज बायोग्राफी द हर्ष चरित इन संस्कृत. हर्षवर्धन, ठीक है, इन्होंने 1400 साल पहले क्या किया था, रूल किया है, शासन किया, ठीक है. वॉज ये क्या थे, ये पहले ऐसे राजा थे जिन वॉज वन सच रूलर. हिज कोर्ट पोएट बना भट्ट रोट हिज बायोग्राफी द हर्ष चरित इन संस्कृत. अच्छा, तो हर्षवर्धन एक शासक थे 1400 साल पहले, और एक पोएट ने कोर्ट में बना भट्ट नाम के एक पोएट ने इनकी बायोग्राफी लिखी थी, हर्षचरिता, ठीक है, और संस्कृत में लिखी थी. और जो पोएट थे उनका नाम क्या था, बाना भट्ट. बाना भट्ट ने हर्षवर्धन के ऊपर हर्षचरिता की एक नाम की एक पोएम लिखी, जिसमें हर्षवर्धन की जीवनी के बारे में उन्होंने लिखा, बायोग्राफी लिखी उनकी, और लैंग्वेज उन्होंने कौन सी यूज़ की थी, संस्कृत की. हर्ष वॉज नॉट अ किंग्स सन, ही टुक द किंगडम ऑफ कनौज एंड बंगाल एंड थानेसर आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड. यानी कि हर्षवर्धन ये राजा नहीं थे और ना ही किसी राजा के बेटे थे. इन्होंने क्या किया था, इन्होंने राज ले लिया था कनौज, बंगाल और थानेसर का, जब इनके पापा और इनके बड़े भाई की डेथ हो गई थी उसके बाद. मतलब इन्होंने अपने मेहनत से ये चीज़ हासिल की थी, ये किसी के बेटे नहीं थे राजा के. द बेस्ट नॉन चालुक्य रूलर वॉज पालकिशीन सेकेंड. द बेस्ट नॉन चालुक्य रूलर वॉज पुलाकेशिन सेकेंड. वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति कंपोज बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति. देखिए चालुक्य घराने से चालुक्य रूलर थे, शासक थे, जिनका नाम था पुलकेशिन सेकेंड. और ये क्या थे, ये एक प्रशस्ति थे, हम इन्हें प्रशस्ति के बारे में जानते हैं. और इनके ऊपर जो कोर्ट में पोयम लिखी गई थी वे थी रवि कीर्ति. पुलकेशिन वॉज अटैक्ड द पल्लव किंग who took shelter behind the walls of Kanchipuram. पुलकेशिन ने अटैक किया था पल्लव किंग के ऊपर, ठीक है, और पल्लव किंग ने सहारा लिया था अपना, मतलब अपना शेल्टर कहाँ पे लिए थे, दीवालों के पीछे, जो कि कांचीपुरम दीवाल में लिए थे, मतलब दीवाल के पीछे कांचीपुरम था, वहाँ पे वे रहने लगे थे. Whenever the ruler was weak, Samantas tried to become independent. Whenever the ruler was weak, Samantas tried to become independent. अच्छा, जब भी कभी जो शासक थे वे कमज़ोर होने लगते थे तो सामंता जो होते थे वो कोशिश करते थे कि वे स्वतंत्र हो जाएं. Arab sailors conquered Sindh in present day Pakistan about 13 years ago. तो जो अरब के जो सोल्जर थे, सैनिक थे, उन्होंने सिंध में जीत हासिल कर दी थी
और ये आज पाकिस्तान में है और 1300 साल पहले की बात है। बिगनिंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी अबाउट 1700 ईयर्स एगो, 1700 साल पहले जो गुप्ता राज्य घराना था उसकी शुरुआत हुई थी। द रूल ऑफ हर्षवर्धन अबाउट 1400 ईयर्स एगो, 1400 साल पहले हर्षवर्धन ने रूल किया था, शासन किया था। लास्ट लेसन है ये, 12 बिल्डिंग्स पेंटिंग्स एंड बुक्स। द आयन पिलर्स एट महरौली दिल्ली इज़ अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द स्किल ऑफ इंडियन क्राफ्ट पर्सन्स। इट इज़ मेड ऑफ आयन, 7.2 मीटर हाई एंड वेट्स ओवर 3 टन्स। इट वॉज मेड अबाउट 1500 ईयर्स एगो। वी नो द डेट बिकॉज देयर इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन पिलर मेन्शनिंग अ रूलर एंड नेम चंद्र। तो देखिए, जो आयरन पिलर थे, लोहे के जो पिलर होते हैं, वो महरौली दिल्ली में पाए जाते हैं और ये बहुत ही रिमार्केबल हैं। साइन मतलब रिमार्क किया गया है इसमें, एग्जांपल है स्किल ऑफ इंडियंस। अच्छा, इंडिया के जो क्राफ्ट है इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे बनाया गया है लोहे लोहे से, 7.2 मीटर हाइट है इसकी और इसका वेट क्या है, 3 टन है। और ये 1500 साल पहले बनाई गई है और वी नो द डेट बिकॉज देयर इज़ एन इंस्क्रिप्शन ऑन पिलर्स मेंशनिंग द रूलर नेम चंद्र। अच्छा, चंद्रगुप्त के बारे में उसमें मेंशन किया गया है जिसकी वजह से इसकी परफेक्ट डेट बताई जा सकती है कि 1500 साल पहले की बात है। इसमें ध्यान रखिएगा कि हमारे क्राफ्ट की महरौली में जो दिल्ली में बनाए गए हैं पिलर्स आयन के, उसमें इंडियन क्राफ्ट पर्सन की जो कौशल है उसकी बहुत ही तारीफ की जाती है उसकी बनावट के बेस पे। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक्चुअल में दिल्ली के महरौली का। द वर्ड स्तूपा मीन्स अ मौंड, ठीक है, स्तूपा का मतलब मौंड होता है, मतलब ऐसे मुड़ा हुआ। इन स्तूपा देयर इज अ स्मॉल बॉक्स प्लेस्ड एट द सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूपा। दिस मे कंटेन बॉडीली रिमेनिंग सच एज टीथ बोन्स एंड एशेज ऑफ बुद्धा और हीज फॉलोअर्स और थिंग्स दे यूज। मतलब कि जो स्तूपा थे, इन स्तूपा देयर इज अ स्मॉल बॉक्स। अच्छा, स्तूपा एक छोटा सा बॉक्स होता था, प्लेस्ड एट द सेंटर और हार्ट ऑफ द स्तूपा। अच्छा, स्तूपा एक हार्ट की तरह था, जान थी उसमें सारी। दिस में कंटेंट बॉडीली रिमेन्स, अच्छा इसके अंदर क्या रखता था, रखी जाती थी बॉडी से, शरीर से बची हुई चीज़ें, जैसे कि टीथ रखी जाती थी, हड्डियाँ रखी जाती थी और जो जलने के बाद जो राख बचती थी उसे रखी जाती थी, बुद्धा और उसके जो फॉलोअर्स थे उसे रखा जाता था उसमें। इन अमरावती एंड मैग्निफिशेंट स्तूपा वंस एग्जिस्टेड अबाउट 2000 ईयर्स एगो। अच्छा, अमरावती में, अमरावती महाराष्ट्र में है, अमरावती में मैग्निफिशेंट यानी बहुत बड़ी सी एक स्तूपा मिली है, 2000 साल पुरानी है। एन अर्ली टेम्पल एट भीतर गांव उत्तर प्रदेश। दिस वॉज बिल्ड अबाउट 1500 ईयर्स एगो एंड वॉज मेड ऑफ बेग्ड ब्रिक एंड स्टोन। तो देखिए, एक टेम्पल है अर्ली टेम्पल एट भीतर गांव, ठीक है, भीतर गांव में एक मंदिर है, उत्तर प्रदेश में है ये भीतर गांव, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, 1500 साल पहले इसे बनाया गया है। और ये बनाया कैसे गया है, मतलब जो ब्रिक होते हैं, जो ईंट होती है, उसे पकाने के बाद उसे यूज़ किया है और उसके बाद स्टोन पत्थरों का भी यूज़ किया गया है। देखिए, पत्थर और ब्रिक ईंट अलग होते हैं। ईंट को जला, मतलब जो पक्के एकदम मजबूत ईंट थे उसे यूज़ किया, उसके बाद स्टोन्स को यूज़ किया है। कौन सा टेम्पल बनाने के लिए, भीतरगांव। भीतरगांव कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। मोनोलिथिक टेम्पल एट महाबलीपुरम, ईच ऑफ दिस वॉज कर्व्ड आउट ऑफ स्टोन, दैट इज़ वाई दे आर नॉन एज मोनोलिथिक, वाइल ब्रिक स्ट्रक्चर आर बिल्ड बाय adding layers of bricks from the bottom upwards. In this case the stone cutters had to work from top downwards. देखिए, मोनोलिथिक टेम्पल कहाँ पे है, महाबलीपुरम, बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
मोनोलिथिक टेम्पल कहाँ पर है? महाबलीपुरम में है। और इसमें क्या है, कर्व्ड किया गया है, पूरे स्टोन में डिज़ाइन बनाई गई है। दैट इज़ वाई दे आर नॉन एज मोनोलिथिक, इसीलिए वो उसे मोनोलिथिक कहा गया है। वाइल ब्रिक स्ट्रक्चर आर बिल्ड अप बाय एडिंग लेयर्स ऑफ द ब्रिक्स, अच्छा ब्रिक्स की लेयर्स बनाई गई है, ठीक है, फ्रॉम बॉटम अपवर्ड्स, अच्छा नीचे से लेके पूरा ऊपर तक इसकी लेयर बनाई गई है ईंटों की। उसके बाद स्टोन कटर्स हैड टू वर्क फ्रॉम टॉप, अच्छा उसके बाद स्टोन्स कटिंग की गई है उसके ऊपर से, ठीक है, तो वर्कर्स जो थे उन्हें स्टोन्स कटिंग करनी पड़ी थी नीचे से लेके ऊपर तक लेयर्स बनाने के बाद। याद रखिएगा ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मोनोलिथिक क्वेश्चन आया हुआ है इसके ऊपर भी। द दुर्गा टेम्पल एट अहिलो बिल्ड अबाउट 1400 ईयर्स एगो, दुर्गा जो टेम्पल है ये कब बना है, 1400 साल पहले। इन अजंता केव्स आर डार्क इन साइड, मोस्ट दिस पेंटिंग वेयर डन इन द लाइट लाइट ऑफ टॉर्चेस, द कलर्स विच आर विविड इवेन आफ्टर 1500 ईयर्स एगो मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स। तो देखिए जो अजंता केव्स है वहाँ के अंदर पूरा मतलब डार्क है, ठीक है, मतलब जैसे कि ये अगर अजंता केव्स के अंदर अगर आप जाओगे तो पूरा अंधेरा था यहाँ पे, ठीक है, उसके बावजूद भी जो ऊपर और दीवारों में जो पेंटिंग की गई है वो लाइट लगाकर जो वर्कर्स थे उन्होंने टॉर्च की लाइट से सारी चीज़ें की हैं, इसका पूरा काम टॉर्च की लाइट से हुआ है, ठीक है, और जो कि अभी भी उसके कलर है अभी भी बहुत ही चमकीला है, विविड है ना, अभी भी वो कलर एकदम नए हैं और ये 1500 साल पुरानी बात है। और इसके जो कलर है वो कहाँ से बने थे, प्लांट्स झाड़ों से बनाए हुए थे और मिनरल्स उसमें यूज़ किया गया था। और फेमस तमिल एपिक द सिला पड्डिकरम वॉज कंपोज्ड बाय अ पोएट नेम्ड इलनया इलंगो अराउंड 1800 ईयर्स है वो। देखिए जो फेमस तमिल एपिक थे, ठीक है, सिला पड्डिकरम ये एक तमिल एपिक थे, जिन्होंने क्या किया था, पोएट कंपोज की थी, पोएट बनाई थी, और कौन सी क्या नाम था उनकी पोएट का, इलैंगो इलैंगो, और ये 1800 साल पहले बनाई थी इन्होंने। तमिल एपिक द मनी मेकलनी वॉज कंपोज्ड बाय सत्तनार अराउंड 1400 ईयर्स एगो। तमिल जो एक एपिक थे, तमिल के जो पोएट थे लेखक, उन्होंने क्या उनका नाम क्या है, मनी मेकलनी, और इन्होंने क्या लिखा है, सत्तनार, और ये कब लिखे हैं, 1400 साल पहले। आप इसी वीडियो को बार बार देखना, आपको ये सब नाम याद हो जाएंगे। पुराना लिटरेचर मीन्स ओल्ड, ठीक है, पुराना का मतलब ओल्ड होता है, हिंदी वालों को पता है। महाभारत हेल्ड इन कुरुस, महाभारत हेल्ड इन कुरुस बिटवीन कौरवास एंड पांडवास, कुरुस कैपिटल हस्तिनापुर, द स्टोरी रिटन अबाउट 1500 ईयर्स एगो। देखिए महाभारत कहाँ पे हुई है, कुरुज में हुई है, ठीक है, और ये कहाँ पे है, कहाँ बिटवीन किस में हुई थी, कौरव और पांडवस में हुई थी, ठीक है, और कुरुज का की कैपिटल क्या है, हस्तिनापुर। कुरुज में क्या हुई थी महाभारत, कुरुज की कैपिटल है हस्तिनापुर, और इसकी जो स्टोरी लिखी गई थी ये 1500 साल पुरानी है, ठीक है। लड़ाई किसके बीच में हुई थी, कौरव और पांडव के बीच में हुई थी। द पुराणास एंड महाभारत आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास, देखिए पुराण पुराण और महाभारत ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, व्यास के द्वारा बनाए गए हैं। द कैपिटल ऑफ अयोध्या इज कोसाला, देखिए अयोध्या की राजधानी क्या है, कोसाला। वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज एज द वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ संस्कृत रामायण, देखिए वाल्मीकि ने क्या लिखी है, संस्कृत रामायण लिखी है।
वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज एज द ऑथर ऑफ संस्कृत रामायण. संस्कृत रामायण किसने लिखी है? वाल्मीकि ने. आर्यभट्ट अ मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर रॉट अ बुक इन संस्कृत नॉन एज आर्यभाटिया. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार आ चुका है. आर्यभट्ट ये क्या थे? मैथमेटिशियन थे, गणित शास्त्रज्ञ थे, उसके बाद ये ऑस्ट्रोनॉमर थे. आकाश के बारे में जो नॉलेज होती है ना ऑस्ट्रोनॉमर्स, उन्होंने एक बुक लिखी है संस्कृत में जिसे कहा जाता है आर्यभाटिका, आर्यभटियम. उन्होंने एक बुक लिखी आर्यभटियम, आर्यभट्ट ने जो बुक लिखी उसे कहते हैं आर्यभटियम, और ये संस्कृत में लिखी गई थी. और आर्यभट्ट ये मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर थे, और इन्होंने जो एक बुक लिखी थी वो थी आर्यभटियम. पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना अबाउट 1900 ईयर्स अगो बाय अ मैन नेम काई लून. पहली बार पेपर कहाँ इन्वेंट हुआ था? चाइना में. पहली बार पेपर कहाँ इन्वेंट हुआ था? चाइना में. कब हुआ था? 1900 साल पहले. ठीक है, और इसे जो इन्वेंट किए थे वे कौन थे? इन्वेंट जिन्होंने किया था वे कौन थे? काई लून. ठीक है, 1900 साल पहले पेपर का शोध हुआ था. पेपर का शोध कहाँ हुआ था? चाइना में. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बिगनिंग ऑफ स्तूपा बिल्डिंग 230 ईयर्स एगो, मतलब 230 साल पहले ही किसकी स्तूपा बनाने की शुरुआत हुई थी? अमरावली 2000 साल पहले हुई. अमरावती, हाँ अमरावती है शायद, अमरावती 2000 साल पहले बनी. कलिंगा नहीं, कलिन दस का, कालिदास, कालिदास सॉरी, कालिदास 1600 साल पहले की बात थी. कालिदास का युग 1600 साल पहले था. आयन पिलर टेम्पल एट भीतर गांव पेंटिंग एट अजंता आर्यभट्ट 1500 ईयर्स अगो. आयन पिलर जो लोहे की जो पिलर थी वो, और मंदिर थी भीतर गांव, इनकी जो पेंटिंग और अजंता की जो पेंटिंग थी आर्यभट्ट, ये सब कब हुआ है? 1500 साल पहले. दुर्गा टेम्पल 1400 साल पहले. ये उतना नहीं आएगा. आपके हिस्ट्री के सारे टॉपिक ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ 6th स्टैंडर्ड के. 7th स्टैंडर्ड का हम कल से स्टार्ट करेंगे. ये रहे 7th स्टैंडर्ड के टॉपिक, ये हम कल से स्टार्ट करेंगे. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर ना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि कमी क्या रह गई है, उसे इम्प्रूव करेंगे. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प हो. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.